नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि पीसीबी में जो हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं, अगर हम उनको निकालना चाहें तो कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पीसीबी ली हैं। ये देखिए, हमारी नॉर्मल पीसीबी है जो सिंगल लेयर में है, और ये जो पीसीबी है ये हमारी डबल लेयर के अंदर है, और हमारी ये पीसीबी है। तो इसके अंदर से अगर हमें कोई कंपोनेंट निकालने हों तो किस तरीके से हम निकालेंगे, वो भी आयरन की मदद से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आयरन को बिल्कुल हीटिंग कर लेना है, यानी कि जितना हीट होता है आयरन फुल हीट कर लेना है, उसके बाद आप कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पीसीबी पे आ जाते हैं कि अगर हम नॉर्मल पीसीबी से कंपोनेंट को निकालते हैं तो हमें इस साइड से इस तरीके से कंपोनेंट को पकड़ना होता है, और पकड़ने के बाद यहाँ पर जब हम दो साइड में आयरन लगाएंगे इस तरीके से, तो हमारा कोई भी जो कंपोनेंट है वो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, तो ये वाला कंपोनेंट इस तरीके से निकलता है, यानी कि एक साइड से हमें इसको पकड़ना होता है इस तरीके से। ये देखिए, ये वाला मैं निकाल के दिखाऊँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर सोल्डर लेंगे और सोल्डर लेके इसको इस तरीके से हम आयरन की मदद से यहाँ से, यानी कि एक साइड से हमें पकड़ना होता है, दूसरी साइड से हमें आयरन लगा के इसको निकाल देना होता हम। और यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की पीसीबी है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जिनर डायबोर्ड लगा हुआ है। इस जिनर डायबोर्ड को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सोल्डर लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम सोल्डर लगा देंगे, यानी कि दोनों साइड में जब सोल्डर लगा देंगे तो ये बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ और यहाँ आयरन लगाया तो ये देखिए जीना डायबोर्ड हमारा, ये देखिए कितने आसान तरीके से निकल गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारी अगर इस तरीके का कोई भी, देखिए ये पीएफ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको एक साइड में पीएफ को पकड़ेंगे और एक साइड में इस तरीके से आयरन जब लगाएंगे हम, तो ये देखिए कंपोनेंट इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए, यानी कि एक साइड से आयरन लगाना है, एक साइड से हम किसी भी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमारे पास अगर ये इस तरीके की, देखिए एक आईसी लगी हुई है, अगर हमें इसको बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें चारों तरफ लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर करेंगे सोल्डर चारों तरफ, और सोल्डर को इतना कर देंगे कि यहाँ पर जो ज़्यादा सोल्डर आ जाए। ये देखिए, ये सोल्डर हमने यहाँ कर दिया, थोड़ा चारों तरफ इस तरीके से करेंगे हम, ये हो गया, और थोड़ा सोल्डर हम यहाँ कर देंगे और थोड़ा सोल्डर हम यहाँ कर देंगे। अब ये देखिए, जब हमने चारों साइड में सोल्डर कर दिया है तो एक साइड में मैं यहाँ करूँगा सोल्डर, एक साइड में यहाँ करूँगा, एक साइड में यहाँ करूँगा, एक साइड में इस तरीके से यहाँ करूँगा। अगर मैं दो तीन बार इस तरीके से करूँगा तो दो तीन बार करने के बाद ये सोल्डर पूरा गर्म हो जाएगा, और फिर आईसी को ऐसे कर दूँगा। अब ये देखिए, जैसे मैंने आईसी को यहाँ झटके से मारा तो यहाँ पर हमारी जो आईसी है वो आराम से निकल गई। देखिए, तो इस तरीके से आप कोई भी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है हमारा चार्जिंग जैक लगा हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे, चार्जिंग जैक जो है उसके ऊपर हम पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा सोल्डर लगा देंगे ऊपर साइड में। ये देखिए, ऊपर साइड में सोल्डर लगा दिया हमने। अब यहाँ पर जो इसकी ये पाँचों पिनें होती हैं जो बैक साइड में है, इसके ऊपर भी थोड़ा सोल्डर लगा देंगे, जो ये भी हीटिंग रहे। ये देखिए, अब ये हमारा सोल्डर लग गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको चिमटी की मदद से पकड़ लूँगा यहाँ से, और यहाँ पर अब हीटिंग करूँगा। और देखिए, जब हीटिंग होगा ये खुद ब खुद अपने आप पीसीबी से नीचे गिर जाएगा। ये देखिए, चार्जिंग जैक निकल गया। और प्रिंट देख लेते हैं, प्रिंट हमारे कैसे हैं। ये देखिए, प्रिंट एकदम साफ है और बहुत बढ़िया तरीके से निकला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। बस हमारा चार्जिंग जैक ख़राब हो गया, इसको हमने ज़्यादा हीट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा कि नया चार्जिंग जैक लगा देना होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो इस तरीके की आईसी है, अगर हम इसको बढ़िया तरीके से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी प्रोसेस सिंपल है। यहाँ पर हम पहले करेंगे इसको सोल्डर इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर सोल्डर करा और यहाँ पर सोल्डर कर दिया। ये देखिए, दोनों साइड में जब सोल्डर हो जाता है, तो सोल्डर होने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से चिमटी को लगा लेंगे, यानी कि ऊपर की साइड में पुश करना है इसे, जिससे कि आईसी गर्म होकर बाहर की तरफ निकल जाए। ये देखिए, दोनों साइड में करा यहाँ पर, और इस तरीके से ये देखिए आईसी, देखा कितने आसान तरीके से निकल गया। अब ये आईसी कैसे निकल रहा है इतना आसान तरीके से, बहुत भाइयों को यही कमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आयरन है हमारा वो बहुत ज़्यादा हीट है। ये देखिए, निकल गया आईसी आराम से। अब यहाँ पर बहुत से भाई जो हैं एलईडी बल्ब रिपेयर करते हैं, तो उनके पास इस तरीके की जो है एमसी पीसीबी होती है, तो ये एमसी पीसीबी को भी निकालना सिखाएंगे हम। तो मैं पहले आयरन को इस तरीके से रख लेता हूँ,
और ये MCPC भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो इस तरीके से मैं चिमटी से पकड़ लेता हूँ और इसको यहाँ इस तरीके से आयरन के ऊपर रख देते हैं हम। अब आयरन के जब ऊपर रख देंगे तो ये हीटिंग होगा और हीटिंग होने के बाद जो है ये हमारी जो LED है वो आराम से निकल जाएगी। देखिए अभी देखिए ये हीटिंग हो रहा है, तो हम आयरन की मदद से ही बहुत काम कर सकते हैं जो आसान तरीके से हो जाएंगे। और जो है हमें यहाँ पर कोई भी SMD मशीन या कोई भी और जो कंपनी की मशीन है वो नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए एक LED निकल गई हमारी, ये देखिए दो भी LED आराम से निकल गई, ये देखिए। तो ये देखा आपने, इस तरीके से आप कोई सी भी LED को चेंज कर सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखा आपने, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आप आयरन की मदद से ही सारा काम कर सकते हो, आपको SMD मशीन की ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।